उसे हटा दिया जाएगा। राम आश्रय कुशवाहा जी मुलायम सिंह के बड़े करीबी हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल है द्विवेदी जी, यानी कि अब अधिकारियों की खैर नहीं कि अगर आप बहन जी की सरकार में हैं तो आपको आपको ये बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को पालित और पोषित करना होगा, और अगर आप सपा में हैं तो आपको समाजवादी विचारधारा को पालित पोषित करना होगा, और अधिकारी करते हैं इसलिए नेता बेलगाम हो गए हैं। अतुल जी, इसी विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा था कि पिछली सरकार में पुलिस बसपा कैडर ग्रुप में काम कर रही थी। हाँ। अभी पीछे जो विधानसभा सत्र बीता है, हाँ हाँ, और उसके कहने का मंशा था कि अब ये पुलिस समाजवादी कैडर ग्रुप में काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो कुशवाहा जी का बयान ठीक बता रहे हैं। एक मूलभूत बात एक और है इसमें कि दुर्भाग्यवश जब मंडल कमीशन आया और एक नया रिजर्वेशन फैक्टर शुरू हुआ, तब से सारी सर्विसेज चाहे वो आईएएस हो चाहे आईपीएस हो चाहे सिपाही की हो, सब तीन गुटों में बट गई हैं। अब आईपीएस आईएएस या पुलिस भी जो है वो सपा की अलग है और बसपा की अलग है और जनरल अलग है। हाँ। तो ये जब सर्विसेज बट गई हैं तो केवल जो जो कोई भी चीफ मिनिस्टर किसी पार्टी का आता है तो उसको पैसे के लिए तो लोग सलाम करते ही भी हैं, साथ साथ में जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर या ग्रुप के नाम पर उस भी सलाम करते हैं। उस पार्टी के काडर के लोग हो गए, आईपीएस भी उस काडर में चले गए, आईएएस भी काडर में चले गए हैं, वो तो पार्टी कार्यकर्ता की तरह बट गए हैं। तो जब तक देखिए समाज ये बटा हुआ रहेगा, चाहे वो आरक्षण के नाम पर बटा रहे किसी नाम पर, द्विवेदी जी तक ऐसा द्विवेदी जी इसमें मेरी थोड़ी सी बहुत विनम्रता के साथ अलहदा राय है। मैं उदाहरण देता हूं, अमूर्त में बात नहीं जमेगी। मायावती चीफ मिनिस्टर थी, नवनीत सहगल उनकी जात से नहीं, शशांक शेखर उनकी जात से नहीं, अखंड प्रताप शुरू में रहे उनकी जात से नहीं, ये सब लोग तो उनके आंख कान नाक थे। मैं कह रहा हूं राजनेताओं के दरवाजे जाके डेमो देते हैं आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो यह है, डेमो देते हैं कि हुजूर मेरी ओर देखो ना मालिक, आप बताओ कौन से विभाग में आपको क्या करिश्मा करना है, मैं करके दूंगा। ऐसे में सैकड़ों आईएएस अधिकारी बता दूं जो प्रतिद्वंदी मुख्यमंत्रियों के चहेते रहे, प्रतिद्वंदी मुख्यमंत्रियों के, जिन मुख्यमंत्रियों के बीच में बोलचाल का रिश्ता नहीं, उनके नाक का बाल एक ही अधिकारी कैसे रहा, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप भी जान रहे हो क्यों भाई। जो व्यक्ति कल तक मुलायम सिंह की सरकार चलाता था वो परसों मायावती की सरकार चलाने लगता, इसका मतलब उस आदमी में करिश्मा तो है ना, मैग्नेट है। उसने जो बेचने की टेक्निक यूएसपी अर्जित की, एक सज्जन है वो एक बड़े घोटाले में जेल और जेल के बाहर की यात्रा कर रहे हैं, सीनियर आईएएस है उत्तर प्रदेश के, उनके परिवार में भी कई लोग आईएएस हैं, उनकी स्थिति क्या है, किसी पार्टी का मुख्यमंत्री रहा हो उनको खुजवा के बुलवाता था कि भाई उनको बुलाओ मनी जी को, उनको कोई महत्वपूर्ण चार्ज देना है, बोले क्यों, बोले नहीं वो करिश्माई है, वो जादू जानते हैं। तो जादू है ना मिठाई का, इसने जाति को तोड़ दिया भाई द्विवेदी जी, जात अगर कहीं टूटी तो मिठाई पर आके टूटी है जात। मैं आपको दिखा दूं, दलित के घर ब्राह्मण खाना खाता हुआ और यादव के घर ठाकुर खाना खाता हुआ। हाँ, जाति का बंधन तो ये चुनाव के मंचों पर दिखता है। ऐसे ऐसे लोग बंद कमरे में मिलते हैं कि आप हैरान रह जाए, अरे ये भी चाय का कप उठाने की प्रतियोगिता में शामिल है। नेता नहीं कह रहा किसी से कि आओ कप उठाओ, कप उठाने का कंपटीशन हो रहा है द्विवेदी जी, कप उठाने का कंपटीशन हो रहा है। नेता के मंत्री को, नेता के लड़के को, लड़की को शॉपिंग कराने की प्रतियोगिता चल रही है उत्तर प्रदेश में, शॉपिंग कराने की, जैसे मार्केटिंग वाले करते हैं ना द्विवेदी जी, मैं नाम ले दूंगा, जैसे जैसे मार्केटिंग वाले करते हैं ना, नहीं आप बहुत लोगों को जानते हैं, फिर लोगों का पोल खुल जाएगा। ये स्थिति किस संविधान में लिखा है? आपने आदत बिगाड़ दी, आपने नेताओं की आदत बिगाड़ दी, और आपने सिखाया कि कैसे नेताओं के आगे दूसरे अधिकारी मुझे 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 बताइए, मैनपुरी में एक छोटा सा इलाका है करहल, छोटा सा अल्प विकसित गांव, तहसील है विजय भाई, क्या है
तहसील है ना, करहल, वहां एक छोटा सा काली स्कूल, वहां जीवन जिसका शुरू हुआ हो वो कैसे जान जाएगा ये वर्ल्ड बैंक फंडेड स्कीम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड स्कीम और दुनिया की सब अंग्रेजी में लिखा पढ़ी कैसे जान जाएगा। बहुत अच्छी, ये तो आप ही बताएंगे कि भाई साहब इस कागज में ये खेल और इस कागज में ये खेल, और यहां से जैसे दशरथ ने यज्ञ किया ना तो अग्नि प्रकट हुई खीर का कटोरा लेके, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा संगी ऋषि तुरंत बुलवावा, तो वहां से तो योग्य ब्राह्मण योग्य चाहिए ना व्यक्ति जो यज्ञ कराए, वो जो योग्य लोग थे, जो वो जो योग्य लोग थे उन्होंने उत्तर प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। मुझे बताइए ना एक व्यक्ति, मैं कहां वो जगहों के नाम लूंगा तो भी चेहरे आइडेंटिफाई हो जाएंगे, जीवन भर मास्टर रहा कोई, कोई डाकखाने में डाकिया था, कोई कुछ था, कोई किसान था, अकस्मात हो गया खाद्य मंत्री मान लीजिए, उसको क्या पता कहां से क्या क्या आएगा जाएगा। ये तो कोई आप जैसा व्यक्ति जा, आपसे मतलब अधिकारी जाता है, कुंडी खटखटाता है और कहता है कि साहब मेरे पास ये हुनर है, अगर आप कहो तो मैं सेवा दूं, तब किसका दोष कहूं, किसका दोष कहूं द्विवेदी जी? कुछ 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 व्यक्ति तो देखिए रसगुल्ला होते हैं, वो कितना भी पेट भराओ फिर भी बड़े आराम से खाए जा सकते हैं, तो वो जो रसगुल्ला है वो तो हर जगह फिट हो जाएंगे। हाँ। और उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना है जीवन में, और वो सबके साथ फिट हो जाते हैं। हाँ। लेकिन ये है कि सर्विसेज भी बट गई हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य देश का है, जो कि आज नहीं आज से दसियों बीसियों साल तक या हो सकता सतियों तक इस देश को बर्बाद करता रहेगा। सर्विसेज में विभाजन हो गया है, ये विभाजन की भावना जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी तब पुलिस में तो कम से कम बिल्कुल नहीं थी, ये सब मतलब एक पुलिस एक तंत्र था, लेकिन अब वो एक तंत्र है ही नहीं। अगर एक कुछ अधिकारी बहुत अच्छे अलग हो भी जाए कि हम अलग करना चाहते हैं और बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो कुछ न कुछ जाति के कारण हर चीफ मिनिस्टर को ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उनका कहा करेंगे, उन्हीं को उठा के बिठाल देते हैं बार बार, वो अपने अपने कोई अपने जाति वालों को बिठाल देता है, कोई अपने जाति वालों को, प्लस जो कि रसगुल्ला है जो इतने करप्ट हैं कि हर जगह फिट होते हैं उनको, तो ये बहुत यहां उन रसगुल्लों की चर्चा हो, क्योंकि पीछे जो घटना हुई और इसके पहले भी एक डीजी रहे हैं, एक आध बार चैनल पर भी बैठ चुके हैं, जानते हैं कि जो अब 2 जून आ रहा है, जिस 2 जून को उत्तर प्रदेश में मिरेकल हुआ था, और अमिताभ जी उन घटनाओं को जानते हैं कि 2 जून को मायावती जी के साथ क्या हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति ने क्या करवट ली, उसके पहले की घटनाओं को भी अमिताभ जी जानते हैं, इसलिए अब अफसरों का क्या रोल रहा वो उन बातों का। और पाठक जी दुखद ये है कि उसके बाद जो हमारे नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो सार्वजनिक मंचों से अधिकारियों को कोसते और गरियाते नजर आते हैं, चेतावनी देते नजर आते हैं, जातिवादी सिस्टम को आप बढ़ावा दीजिए, क्षेत्रवादी सिस्टम को आप बढ़ावा दीजिए, अपने अपनों को आप अपनी अपनी चाहने वाली जगहों पर तैनाती दीजिए, और जब रिजल्ट ना आए तो आप उन्हीं को कोसिए, दूसरों को नीचे गिराइए, फिर इसके लिए मैं तो जी आपने ठीक बात कही, मैं एक मिनट का समय लूंगा। कल यहां उद्योगपतियों का एक सम्मेलन था। हाँ। उस सम्मेलन में मुख्यमंत्री गए थे, और बताइए कितनी शर्मिंदगी की बात है। हाँ। जिस सम्मेलन के बाहर यह घटना हुई, उस सम्मेलन के अंदर क्या हुआ, उद्योगपतियों ने कहा कि हमको हमारी हैसियत देख के काम दाम लगाया जाता है हमारा। हाँ। और मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को चेताया कि जहां पत्रावली लंबित होगी वहां कार्रवाई करेंगे। हाँ। लेकिन जो पत्रावलियां मुख्यमंत्री के यहां लंबित है उसका हाँ। क्या करेंगे? हाँ। उसे किसी दोषी देंगे? हाँ। अरे कल सारा बयान आया मुख्यमंत्री पाठक जी का। पाठक जी मैं आपको बताऊं, मैं बुंदेलखंड के बांदा का रहने वाला हूं, मैं आपको बहुत छोटे से वहां बताता हूं, वहां के जो डीएम साहब हैं जेएस नवीन कुमार साहब, उनके बारे में हर कोई जानता है कि वो शिवपाल जी के बड़े खास हैं, ऐसा ठप्पा लगा उनके ऊपर, औरैया से ट्रांसफर होकर बांदा पहुंचे, 4-5 महीने से वो बांदा में तैनात हैं, लेकिन आप रजिस्टर निकाल के देख लीजिए वो कितने दिन जनपद में रहे, जब कोई उनके पास जाता फरियादी जाते हैं टहल के चले जाते हैं, कहां हो जी सैफई में है जी, कहां हो जी लखनऊ में है जी, कहां हो जी इटावा में हो जी, क्यों भाई डीएम तुम बांदा क्यों ना, बार बार जब सैफई इटावा शिवपाल जी का नाम लिया जाता है तो बोलने वाला बेचारा वैसे कुछ नहीं बोलता, बोले भैया 5 साल तक बोले आप, हम आप चर्चा कर चुके हैं, विषय दूसरा है इसलिए मैं कहूंगा नहीं, अभी कल बुधवार बीत गया, बताइए कितनी बार से जनता दर्शन नहीं हो रहा है। हाँ। और अभी आप ही के चैनल पर जब जनता दर्शन हुआ हाँ। तो राजेंद्र चौधरी ने कितना बड़ा कहा था कि लोकतंत्र का उदय हुआ है, न हाँ। जिले में सुन रहे अधिकारी न लखनऊ में सुन रहे अधिकारी, मुख्यमंत्री जी सभागार के भीतर कहते हैं कि जो प्रदेश में उद्यम लगाने के इच्छुक जो उद्योगपति हैं अगर उनको एक भी दिक्कत आई तो अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा,
मैं ऐसे 50 औद्योगिक घरानों को जानता हूं जो उत्तर प्रदेश में निवेश करने को तैयार हैं, लेकिन निवेश क्यों नहीं कर पा रहे? अधिकारी मलाई चाहते हैं और मलाई इतनी मोटी चाहते हैं कि उनके प्रॉफिट का 90% मलाई में चला जाएगा। वो कह रहे हैं छोड़ो यार, काम ही नहीं करना। बताइए आप, ये सिस्टम है पाठक जी प्रदेश का? तो तरक्की कहां से होगी, रोजगार कहां से मिलेगा लोगों को? देखिए, जब तक सरकार अपनी नीति नहीं परिवर्तित की, दो तरह की नीति है उसकी, एक मामले पर दूसरी, दूसरे मामले में दूसरी। हाँ। और बयान ये बताइए कि अभी आप ही के चैनल पर सुबह चल रहा था, पहले एडीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, फिर आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। जरूरत क्या थी दोनों लोगों को इतनी जल्दी? जब शाम को 5 बजे ब्रीफिंग का समय तय है तो दोपहर में खुलासे की जरूरत क्या था? इतनी जल्दीबाजी में खुलासे की जरूरत क्या थी? अलग अलग बयान देने की जरूरत क्या थी? हम आप पुलिस के अधिकारी तो नहीं है, लेकिन जो उन लोगों ने कहा, उन घटनाओं को हम एनालाइज कर रहे हैं, तो आम जनता भी एनालाइज कर रही होगी। अरे भाई साहब, आज फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट साथ मेरी बात हो रही थी, शाम के 5 बजे के आसपास मैं गाजियाबाद उन्हीं के साथ था। उन्होंने मुझे कहा, कहते हैं भाई साहब, एक मुर्गे को भी एक व्यक्ति अगर मारना चाहे ना तो अकेला नहीं मार सकता, और अकेले आदमी ने 7 लोगों को मार दिया और वही चाकू से। बोले पुलिस की थ्योरी को हो क्या गया? ये सारे आईपीएस ही है ना, फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट ने कहा, सारे आईपीएस ही है ना जो पीसी कर रहे हैं, चेक करा उनके रिकॉर्ड। अतुल भाई, आईपीएस ही कुछ और है, और बिल्कुल सही बात है, एक व्यक्ति 7 लोगों को मार गया, चाकू से मार गया, अधिकारियों की यह थ्योरी है। बताइए अब आप, सवाल उठ रहे हैं, और सवाल क्यों ना उठे? गाजियाबाद में पान ठेले पे और चाय ठेले पे लोग पुलिस की लानत मलानत कर रहे हैं। नहीं, इसको जनरेट भी तो पुलिस ने किया। हाँ। ये क्यों, अगर इनके पास पूरी जानकारी नहीं थी, जानकारी कर लेते। हाँ। ऐसी कौन सी जल्दी थी? हाँ। और जब खुलासा करेंगे तो ये सवाल उठेंगे। हाँ। जो हमारे और आपके मन में उठ रहे हैं। हाँ। वो आम जनता के मन में उठेंगे। हाँ। तो कहीं ना कहीं आशंका तो जन्म लेगी ना। ठीक बात है, अमिताभ जी से बात की टिप्पणी। देखिये, आज की घटना पर मैं क्या टिप्पणी करूं, किसने मारा किसने नहीं मारा, पुलिस की जांच सबको पता है कैसी जल्दबाजी में होती है श्रेय लेने के लिए। लेकिन एक चीज देखिए, द्विवेदी जी की नजर कहूंगा, एक बाबर्दी आईपीएस अधिकारी जब किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का सार्वजनिक तौर पर चरण छू लेता है, तो वो एक चरण तो एक व्यक्ति छूता है द्विवेदी जी, लेकिन वो ऐसे 50 आईपीएस अधिकारियों के लिए जीना मुश्किल कर देता है उस सूबे में जो चरण छूना नहीं चाहते। एक व्यक्ति, उन 50 का 70 दफे ट्रांसफर होता है, फिर उसमें अरुण गुप्ता होते हैं, केएल मीणा होते हैं, ठीक है। इसीलिए, क्योंकि एक ने पांव छूके पूरे कुएं के पानी को खराब कर दिया। उत्तर प्रदेश के एक बड़े राजनीतिक घराने के एक नौजवान का विवाह होता है गांव में। मैंने सीनियर आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को विजय भाई बाप पत्तल उठाते देखा, और सपरे और रायता सन्नाटा वाला और लड्डू और बूरा दही सर्व करते देखा। आपको इसलिए तैनाती मिली थी? इसलिए मिली थी क्या? और ऐसा नहीं, मैंने देखा, प्रभात कुमार कलेक्टर हुआ करते थे हमीरपुर में, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के विजय भाई की पार्टी के एक बाहुबली विधायक थे, इस वक्त जेल में है बड़े अच्छे कर्मों के कारण, बादशाह सिंह जी, उनसे उनकी हाथापाई हो गई, रिपोर्टर पार्टी हुई, तमाम झंझट हुआ, 40 विधायकों ने बादशाह सिंह के पक्ष में एक मेमोरेंडम लिख के कल्याण सिंह को दिया कि प्रभात को बंजर भूमि विकास में भेजो। कल्याण सिंह ने, राजनीतिक विवशता थी, 40 विधायक मतलब रखते हैं, सारे इस जाति के विधायक एक लाम बंद हो गए कल्याण सिंह के खिलाफ। कल्याण सिंह ने कहा, हमीरपुर से हटा दूंगा, इतनी ही सुनूंगा, इसके बाद मुख्यमंत्री फैसला करेगा, और झांसी का कलेक्टर बनाया प्रभात को, बगल का जिला, और उससे बड़ा जिला, और उससे बड़ा जिला, मंडल है वहां, कमिश्नरी है, ये है। लेकिन वो अधिकारी भी झुका नहीं। आप मुझे बताइए, कितने अधिकारियों का एमआरआई टेस्ट करा लीजिए, कितनों के पास रीढ़ की हड्डी बची है? कोई नहीं कहता। मैंने ऐसे नेताओं को, नेताओं के पक्ष में नहीं हूं मैं, नेताओं की ज्यादा आलोचना, मैंने ऐसे नेताओं को देखा द्विवेदी जी, जो अधिकारियों से कहते, अरे नहीं आप पानी का गिलास मतलब नहीं, हम ले लेंगे। बोले नहीं भाई साहब, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है। नेता मना कर रहा है कि नहीं आप मत उठो, आप क्यों पानी के लिए उठ रहे हो बोतल में? अभी मैं एक मंत्री जी के साथ था एक दिन, बैठा तो चाय का अवसर आया, द्विवेदी जी
चाय पानी बिस्लरी की बोतल से खोल के गिलास में दिया। एक नौजवान ये सब कर रहा था। मुझे लगा कि मंत्री के साथ अर्दली होते हैं, सहायक होते हैं, कर्मचारी होंगे ही, भाई मंत्री है तो होंगे, बड़े मंत्री थे। जब मेरी बात होने लगी मंत्री से तो वो बाहर आ गए शिष्टाचार में।